दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक के बावजूद भी कई इलाकों में निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसके साथ ईंट पत्थर और बालू खुले में बिक रहा है। इतना ही नहीं, निर्माण और तोड़फोड़ से निकले मलबे के ढेर को रिंजेरिया और पार्कों के किनारे डंप करने से वहां पर प्रदूषण लेवल और भी खराब हो गया है। ये है नॉर्थ दिल्ली का कामना नेहरू रिंजेरिया, जिसे दिल्ली का लंग्स भी कहा जाता है। लेकिन मलबे और कूड़े के ढेर ने इसे भी पूरी तरीके से प्रदूषित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। प्रदूषण के कारण, आबोहवा खराब होने के कारण पिछले कुछ दिनों से पार्क में आने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आई है। जो लोग यहाँ आते भी हैं, वो सैर न करके एक जगह पर बैठकर चले जाते हैं, जिनका आरोप है कि अगर सरकार पहले से इस ओर कोई ठोस कदम उठाती तो शायद दिल्ली का ऐसा बुरा हाल नहीं होता। कितने इतने सालों से मॉर्निंग वॉक, 3 दिन से घर बैठे हुए, बहुत बुरा हाल है। चेस्ट कंजेस्ट हो रखी है बिल्कुल, जो है दवाइयाँ चल रही हैं, और इससे बेहतर और बदतर क्या हो सकता है, बेहतर क्या बताएगा। कितना यहाँ पर जो स्मॉग है, थोड़ी दूर पे नज़र नहीं आ रहा, वो देखिए वो रोड है उसके आगे नज़र नहीं आ रहा। मजबूरी है लोगों की, फिर भी आ रहे हैं, अब क्या करें, वॉक नहीं कर पा रहे, वॉक नहीं कर पा रहे सर।